हाय, मैं श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। आज मैं ये वीडियो कुछ किसी खास के लिए बना रही हूँ, मतलब मेरे बेटे या मेरे पति के लिए नहीं, या मेरी मम्मी और भाई के लिए भी नहीं। मतलब जो कि मेरी यूट्यूब पर इंस्पिरेशन है, मैं उनके लिए बना रही हूँ, जिनकी वीडियोस देखकर मैंने कुछ जितना भी सीखा है, उनकी वीडियोस देखकर सीखा है, मुझे जितना भी मतलब हेल्थ हाइजीन के बारे में पता है, उन्हीं के वजह से पता है। तो आपको आप सबको कुछ अंदाजा लगा, मैं बात कर रही हूँ यूट्यूबर बी नेचुरल रेखा जी की, और मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की रेखा की बात कर रही हूँ। मैं रेखा जी की बात कर रही हूँ, बहुत गहराई से उनका रेस्पेक्ट करती हूँ। उन्हें लगना चाहिए कि उनकी कोई फैन कितनी बड़ी कितनी छोटी है, हम क्या कह सकते हैं कि हम किसी के कितने बड़े फैन हैं, मुझे वो ठीक नहीं लगता। उनके साथ आजकल जो कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया तो नहीं, यूट्यूब पे, तो जितना भी मतलब उनकी वीडियोस को, वीडियो का एक माजरा सामने आया था, एक प्रॉब्लम। मैं बात कर रही हूँ यूट्यूबर रेखा जी की, बी नेचुरल की रेखा जी की, या फिर कोई कोई उन्हें ऐसे मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो उनके तीन चैनल्स है, एक है बी नेचुरल, दूसरा है बी पॉजिटिव एंड मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। वो उनका कहना था कि वो बी पॉजिटिव का नाम चेंज करके कुछ और करने वाली है। उनकी जर्नी तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुआ था, अचानक से ही शायद शुरू हुआ था। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मतलब मैं आज अगर यूट्यूब पर हूँ तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार वही है, क्योंकि मुझे कुछ भी इस बारे में आइडिया नहीं था। मैं उनकी वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने जब उनकी कुछ अवेयरनेस वाली वीडियोस देखी तो मुझे लगा हम भी उनकी उनकी इस कोशिश में हम भी कुछ क्यों मदद ना कर दे। सबको लगता है कि एक यूट्यूबर की जो जर्नी बहुत आसानी से हो जाती है, ऐसा नहीं होता। और रेखा जी के बारे में भी शायद लोग यही सोच रहे होंगे कि एक स्कूल की नर्सरी टीचर 2 साल में 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स की बी नेचुरल की ओनर बन गई तो सब लोग ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत और लगन लगती है, सब लोग मेहनत लगन करते हैं, पर कुछ कुछ का वे ऑफ टॉक, वे ऑफ टॉक थिंकिंग, काम करने का अंदाज बहुत अलग होता है। उनका वही अंदाज लोगों को पसंद आया, इसीलिए वो इतनी जल्दी इतना ग्रो कर पाए। सब लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो लोग क्यों उनसे जेलसी होते हैं? दैट्स नॉट फेयर। वो कितनी अच्छी तरह से अपनी बात को सब लोगों को समझाती है, कैसे उनकी कला का प्रदर्शन करती है। वो उनका वीडियोस में फन भी होता है, एंटरटेन भी होता है, और अवेयरनेस तो उनका पहला मोटिव है। गर्ल्स हैशटैग गर्ल्स अवेयरनेस तो उनका सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उनके वीडियोस पर। टिप्स होती है, ब्यूटी होती है, मतलब हर चीज़ को वो एक ही जगह दिखाते हैं। तो कोई अगर उनके बातों से हमारे लिए कितना प्यार झलकता है, कितना मतलब केयरिंग दिखाई देता है, तो जो अगर कोई एक हम सबके लिए इतना कुछ कर रहा है, उनका इससे इनकम हो रहा है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर
यूट्यूब पे जब कोई आता है, पैसा बाद में आता है, पहले उसका शख्सियत आता है। तो उनका शख्सियत पहले आया, बाद में उनके पास पैसा आया। वो कैसी है हम सब जानते। वो उनकी मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस वाले ब्लॉग व्लॉग चैनल में उनका उठना बैठना सोना खाना ऐसा कुछ भी वो नहीं छुपाते अपने ऑडियंस से। उनका उस वाले बी नेचुरल की 23+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और मिस्टर एंड मिसेस की शायद 2 मिलियन से 3 मिलियन के बीच के सब्सक्राइबर्स हैं। 25 मिलियन ऑडियंस को जो बांध के रखी है ना, वो उनका प्यार, उनकी वो क्वालिटी, वो उतना सब कैसे मेंटेन करती है। वो बहुत ही उनका तो मेरा सलाम है। और उनका पति भी उनको कितना सपोर्ट करते हैं। तो कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उनकी ही एक वीडियो का ऑडियो को म्यूट करके उसमें कुछ और लगाकर एक पॉर्न साइट में डाल दिया। और वो भी एक लड़की होकर दूसरी एक लड़की का ऐसे करके डाल दिया। उन्हें बहुत देर से पता चली। वो भी उन्हीं की किसी सब्सक्राइबर ने उन्हें कमेंट करके लिंक भेजा था, तो तभी उन्हें पता चला। क्या ये सही है? वो कितनी बड़ी यूट्यूबर है या छोटी यूट्यूबर है, ये बात बात की बात है। पहली बात है, ऐसा करना क्या सही है किसी के साथ? और रेखा जी ने इस बात को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया और उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेंट किया। वो सारे वीडियोस डिलीट करवाए और हम सारे ऑडियंस को भी ये बातें बताकर कितना जागरूक किया है कि हमारे साथ ऐसा कुछ कभी ना हो। तो आपकी ये काम के लिए तो मैं तो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। पहले तो करती थी, अब और भी रेस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको पहुँच सकता है, अगर आप देखती हैं तो एक बार आपने देखा ये बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कल और आज आपको कमेंट भी किया था, पर मैंने ये वीडियो आपको शेयर नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि आपके पास मेरा वीडियो अपने आप जाए और अपने आप तक मेरा ये वीडियो पहुँचे और आप ये वीडियो देखें। रेखा जी, सब लोग आपको दी जीजू कहती है, पर मैं आपको ऐसा बुलाना नहीं चाहती। मैं आपसे सिर्फ एक दोस्त की तरह आज बात करना चाहती हूँ। आप हमेशा कहती हैं आपके सब्सक्राइबर्स गाली नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं करते। ये सही बात है, मैं भी आपकी सब्सक्राइबर हूँ। इसी वजह से मैंने कोई भी मतलब वो सारे भी वीडियोस देखे जो आप पर बने, आपके मैटर को लेके बने। मैंने कहा कहीं पे भी गाली या कुछ नहीं दिया, पर ये मैटर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे लगता है कि आपकी तरक्की देखकर कुछ लोगों की आंखों में खटकता है कि आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। उन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि आप ऐसे घर खाली बैठे ग्रो नहीं कर रहे। कितनी काम करके आप ग्रो कर रहे हैं वो कुछ लोग समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है वो जो लड़की या लड़का या फेक अड़े से जिसने भी ये वीडियो को अपलोड किया था, गंदा वाला वीडियो आपका, गंदा करके आपकी वीडियो को, वो सोच रहा होगा वो छोटा मोटा यूट्यूबर होगा, आपका ग्रोथ देखकर उसे खटकता होगा, इसीलिए वो ये काम कर रहा है, मुझे लगता है। और हाँ रेखा जी, ये मेरा ये वीडियो थैंक यू और कैरी।
दोनों के लिए मैंने एक ही वीडियो बनाया है। और दोस्तों, जिन जिन जो लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं तो चाहती हूँ कि कानून उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दे। मेरी बात से जो जो सहमत है वो सब कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि रेखा जी तक मेरी ये बात पहुंच सके। बस तो आप सब लोगों को मेरे वो सब वीडियोस कैसे लगे, देखा कि नहीं और सब्सक्राइब किया कि नहीं? अरे बाबा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर तो दीजिए, बेल आइकन को दबा तो दीजिए, वरना मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा।